Hi guys! Very good evening to you all, and welcome back to the revision series of uh, English. And we are going to start uh, the revision for chapter "We Are Not Afraid to Die" today. So yeah, that's going to be there. Let's see who all have joined, and I'll quickly see. Uh, I'll just quickly open the link. Yep, got it. Thank you so much, all, for coming. Thank you. Thank you, Riti, Rashmi, Kushi, and Rashmi, and Shubham, and everybody else who's there. Thank you. Okay. Hi. Hi, Ria. Hi, um, uh, Amber. Amber. Hi. So thank you guys. Thank you for coming. Thank you for joining in. Quickly share this so that rest of the students can also join. And I will begin then with our chapter, which is "We are not afraid to die." So that's there. Uh, Riti, I'm sorry I didn't get you. Very good evening to you, Prem. Hi, Rajat and everybody else. Hi, Rashmi. Okay, you're Anvesha. Okay, got you transformation, okay? about what? can you please uh, tell me about it in detail? riti, can you tell me about it in detail? but i didn't catch you. i can't understand. okay. okay. <clears throat> okay, pramisri, okay. and your manas. okay. so thank you so much. thank you so much for coming. And uh, today we start with the uh, chapter We Are Not Afraid to Die. But quickly, like before starting, I would just give you a quick, um, you know, preview of our plus and special family there on Unacademy. So I belong to SDC family, and if you join me on Unacademy, you will belong there too, if you want. So welcome to SDC family. This is your educator right in front of you who is going to revise the chapter with you, which is. Uh, we are not afraid to die okay so we have an uh, academy plus features right here lined up we have an academy plus feature all together we have a lot of courses which are there on the platform if you want to choose from them you can go ahead and choose the batches and courses and if you want to join an uh, academy plus with the uh,

एंड स्पेशल uh, पे हम लोग uh, बहुत सारे क्विजेज करते हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें सर्टिफिकेट्स वगैरह बच्चों को देती हूँ तो आप चाहें तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड लास्टली आपको मुझे फॉलो कर लेना है शुभरा मिश्रा मेरा हैंडल रहेगा अन अकेडमी पे सो so, आज इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विच इज़ वी आर नॉट अ फ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बीट टूगैदर क्लास एलेवेंथ का चैप्टर है हॉर्नबिल का चैप्टर है चैप्टर नंबर टू है तो ये आपको आज पढ़ना है ओके okay. तो मैं पहले आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी बच्चे नए हैं मैं हर शाम पाँच बजे आपके लिए नए चैप्टर्स लेके आती रहती हूँ रिविजन के लिए वन शॉट रिविजन के लिए थोड़े टाइम में पूरे चैप्टर को रिवाइज कराने के लिए मैं ऐसा करती हूँ एंड आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हैं अपने रिविज़न पर्पसेस के लिए सो दैट्स दे सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एंड ये जो पूरा चैप्टर है ये चैप्टर एक फैमिली के बारे में है और चैप्टर में जो लोग हैं वो है यू नो द नरेटर नरेटर की वाइफ नरेटर का बेटा और नरेटर की बेटी सो मेजरली ये चार लोग हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में ओके सो दैट्स गोइंग टू बी देयर एंड या सो so, अभी इस चैप्टर में सिंस हम लोग इन चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपने चैप्टर का जो मैंने आपके लिए एकदम स्टार्टिंग पेज बनाया था वो भी देख लिया है तो डेफिनेटली मैं समझ सकती हूँ कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि चैप्टर कुछ सी के बारे में है तो यस चैप्टर सी के बारे में है तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं बता देती हूँ अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आई होप आप लोग सब सेटल डाउन हो गए हो और अभी हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए यस थैंक यू गाई फॉर कमिंग या, yeah. so, अभी चैप्टर में क्या होता है नरेटर 1976 में अपनी वाइफ मैरी के साथ में जॉन के साथ में जो उनका बेटा है जॉन छः साल का उनकी डॉटर सुजैन जो कि सू आगे जिसका नाम आएगा सात साल की इन लोगों ने अपना एक जो सेल था वो सेट किया प्लाई माउथ से जो कि इंग्लैंड में है उनको एक्चुअली क्या करना था उनको कैप्टन जेम्स कुक जो है कैप्टन जेम्स कुक का जो उन्होंने वो याज किया था उसको कॉपी करना था तो वो क्या करना चाहते थे वो 200 साल पहले जो एक वोयाज वोयाज मतलब सी की जर्नी सी की जो जर्नी होती है उसको हम वोयाज कहते हैं तो 200 साल पहले जो सी की जर्नी थी उसको वो कॉपी करना चाहते थे For द लॉन्गेस्ट टाइम अच्छा ठीक है इसके बाद में वो है क्या बताते हैं वो ये बताते हैं कि मैं एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन मैन हूँ और बहुत टाइम तक मैं और मैरी मतलब उनकी वाइफ उन्होंने इतना ज़्यादा वो दूर दूर तक गए और जाके उन्होंने यू uh, नो you know, अपना 16 साल जो है लाइफ के बस इसी चीज़ में निकाल दिए कि वो सबसे हार्ड वाटर्स में अपने आप को चेक कर सके अपने बोट को चेक कर सके कंडीशंस को चेक कर सके। 16 साल तक उन्होंने अपनी सी फारिंग स्किल्स को टेस्ट किया ब्रिटिश वाटर्स में उनकी जो बोट जिसकी वो बात करते हैं यहाँ पे, वो बोट है वेव वॉकर उसका नाम वेव वॉकर है यहाँ पे उसकी कुछ यू नो सिंप्लीफिकेशन एंड कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दी हुई है तो आप वो भी एक बार देख लीजिएगा मूविंग ऑन यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो जो बोट है काफ़ी खूबसूरत बो, बोट है और प्रोफेशनली बिल्ट है तो डेफिनेटली यू uh, नो you know, अच्छी भी है टेस्ट की हुई है इसके बाद में उन्होंने फाइनली क्या स्टार्ट किया उन्होंने फाइनली अपनी जर्नी को स्टार्ट किया एंड वो जो जर्नी थी जो एक लाख पाँच हज़ार किलोमीटर की जर्नी थी ठीक है उसकी उन्होंने फाइनली शुरुआत की धीरे धीरे कैसे कैसे करके एंड उस जर्नी को कवर करके वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक पहुंच गए नाउ क्या हुआ इसके बाद में ईस्ट की तरफ जाने से पहले ठीक है ईस्ट की तरफ जाने से पहले उन्होंने दो मैन को लिया अपने साथ में मैन मतलब उनको दो लोगों की हेल्प चाहिए थी देखो बच्चों क्या है कि वो अपनी फैमिली को लेके अब जो उनका प्लानिंग था वो ये था कि वो वर्ल्ड के सबसे हार्श सबसे हार्श वाटर में जाना चाहते थे और हार्श वाटर कौन सा है द साधर्न द साधर्न इंडियन ओशन तो साधर्न इंडियन ओशन में वो जाना चाहते थे और साधर्न इंडियन ओशन बहुत हार्श है बहुत ज़्यादा हार्श है तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं दो लोगों की हेल्प ले लूं तो उन्होंने दो मैन को अपने साथ रखा एक था अमेरिकन और दूसरा स्विस था जो अमेरिकन था उसका नाम था लैरी और जो स्विस था उसका नाम था हर्ब तो लैरी और हर्ब को अपने साथ उन्होंने रखा ताकि वो साधन इंडियन ओशन को भी आराम से पार कर सकें क्योंकि वो लिटरली वर्ल्ड का रफेस्ट सी में से एक है और वहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें बोट्स वगैरह ड्राउन हो जाती है यू नो लाइक दैट फिर उन्होंने बोला कि <coughs> जैसे ही वो अपने दूसरे दिन पे थे मतलब जब वो केप टाउन से निकल रहे थे मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ बच्चों यहाँ पे जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं मैं कमेंट्स नहीं देख रही हूँ पहली बात तो इसलिए आई डोंट हैव एनी आइडिया तो आ, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ ये पूरे चैप्टर में डेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेट्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको जब इस क्वेश्चन में मतलब इस पूरे चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्वेश्चंस डेट के ऊपर आएंगे व्हाट हैपेंड ऑन जनवरी सेकेंड व्हाट हैपेंड ऑन जनवरी सिक्स व्हाट हैपेंड ऑन जनवरी फिफ्थ अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जनवरी सेकेंड को फिफ्थ को सिक्स को हुआ क्या था तभी आप आंसर लिख पाओगे तो ये थोड़ा सा इस चैप्टर में एक साथ प्रॉब्लम है इसीलिए आपको मैं एक अच्छा एडवाइस दूंगी चैप्टर जब मैं आपको रिवाइज करा दूं, एक कॉपी लेना और कॉपी के अंदर सब कुछ लिख लेना दिसंबर ट्वेंटी फिफ्थ को क्या हुआ था सेकेंड जनवरी को थर्ड जनवरी को फोर्थ जनवरी फिफ्थ सिक्स जनवरी को क्या हुआ था इससे क्या होगा आप आंसर्स आराम से लिख पाएंगे ठीक है ओके okay. तो अभी उन्होंने बोला कि जब वो दूसरे दिन पे थे केप टाउन से बाहर की तरफ तो उनको काफ़ी ज़्यादा लहरों का सामना करना पड़ा बड़े ही स्ट्रॉन्ग वेव्स का उनको सामना करना पड़ा और ये जो वेव्स जो ये यू नो वेव्स चल रही थी ये सारी वेव्स बहुत टाइम तक चलती रहीं बहुत सारे टाइम तक चलती रहीं इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा यहाँ पे नरेटर को उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा था बिकॉज ऑफ द वेव्स प्रॉब्लम उनको पता है क्या लग रहा था प्रॉब्लम उनको ये लग रहा था कि जो वेव्स थे उनका जो जो हाइट था जो उनका हाइट था वो प्रॉब्लमैटिक था पता है उनका हाइट कितना था उनका हाइट था 15 मीटर्स 15 मीटर्स का उनका हाइट था एंड वो उनके लिए काफी प्रॉब्लमैटिक था क्योंकि अगर उसी हाइट से वो आती तो वो दूर नहीं था कि जब उनका वो जो पूरा आ, यू नो बोट था वो डूब जाता ये चीज़ बिल्कुल दूर नहीं थी सो so डेफिनेटली उनको ये चीज़ तो पता थी कि अब ये जो वेव्स हैं डेफिनेटली यहाँ पे यू uh, नो uh, you know, इतनी बड़ी है कि ज़रूर हो सकता है कि हम लोग डूब जाए ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को क्या हुआ ट्वेंटी फ़िफ्थ दिसंबर को जब वो तीन हजार पाँच सौ किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ बढ़े केप टाउन के तब तो वहाँ पे इतना ज्यादा एट्रोशियस वेदर हो गया इतना ज़्यादा एट्रोशियस वेदर हो गया कि उनको ऐसा लगा कि अब तो क्या होगा पता नहीं बट इतनी सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी उन्होंने अपना क्रिसमस काफ़ी अच्छे से बनाया, काफ़ी अच्छे से अपना क्रिसमस मनाया वहाँ पे क्रिसमस ट्री वो लेके आए उसको अच्छे से सजाया और अपना नॉर्मल जैसे लोग क्रिसमस मनाते हैं उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया

आ, आ, पूरे जो यू नो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पूरे स्टॉम को कंट्रोल करने के लिए बोट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्मॉल स्टॉम जिप का इस्तेमाल किया जीब अगेन आपने बोट में देखा होगा एक ऐसे करके फ़्लैग लगा हुआ होता है तो एक्जैक्टली exactly वैसा फ़्लैग होता है जिससे स्टॉम को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बाद में उन्होंने एट नॉट्स बनाए अगेन वो नॉट्स नॉट्स इसलिए बनाए थे ताकि से यू नो वो कंट्रोल कर सके बोट को आगे बढ़ने से आ, बोट की स्पीड को कंट्रोल कर सके जैसे ही शिप टॉप की तरफ जाता जा जाता रहा वैसे वैसे उनको सामने से और ज्यादा सी दिखने लगा ठीक है और ज्यादा सी दिखने लगा और ज्यादा ऐसा लगने लगा कि वेव्स उठ रहे हैं ऐसा लगने लगा कि अब यहाँ से और ज्यादा वेव्स आने वाली हैं और वो पूरा सी ऐसा लग रहा था उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है वो उनको इतना डराने वाला वो पूरा आ, वो पूरा वहां वहां का एटमॉस्फेयर इत, हो गया था कि विंड की आवाज भी चुभने लग गई थी ऐसा लग रहा था कि क्यों विंड ब्लो कर रही है इतना तेज विंड ब्लो कर रहा था इतना तूफान उस टाइम था कि वो आवाज भी चुभने लग गई उन उन्होंने अपने बोट को को करने के लिए जिप को हटाया और मूरिंग रोप जो थी वो लगाए, मूरिंग रोप एक ऐसी रस्सी होती है जो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के काम आती है आप उसको पानी में डुबा दीजिए भारी हो जाता है वो तो वो आ, जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल कर लेती है फिर उसके बाद भी उन्होंने सारी चीजों पर एकदम ताले लगाए एकदम हर चीज को डबल लैश कर दिया सबको एकदम बंद कर दिया और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया उनको पता था उनको पता था कि कुछ तो होने वाला है इस इतने इतने ज़्यादा ख़तरनाक मौसम से इतने ज़्यादा खतरनाक मौसम से किस तरीके से हम लोग निकल के आएंगे ये चीज़ उन्हें अंदाज़ा था इसलिए उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहन लिए और उन्होंने इंतज़ार किया देखा कि अभी कितना और ये चलने वाला है पहला इंडिकेशन जो इस इम्पेंडिंग डिजास्टर का था जो जो ये डिजास्टर आने वाला था उसका पहला इंडिकेशन उनको मिला 6 बजे बजे शाम को पहला इंडिकेशन मिला एकदम से शांति थी आपने आप बहुत बार मतलब मेरे ख्याल से आप जानते भी होंगे हम लोग बहुत बार बोलते तूफान से पहले वाली शांति तो ऐसा था एकदम से शांति वहां पे हो गई और विंड्स रुक गई स्काई एकदम से ब्लैक हो गया और ऐसा लगने लग गया कि स्काई दहाड़ रहा हो पूरे ऐसा था पूरे बोट के ऊपर क्लाउड बन गया था और ऐसा लग रहा था कि ये तो बोट को डुबा के ही मानेगा पूरे हॉरर के साथ में उनको इतना ज़्यादा डर लग रहा था उनको लग रहा था कि ये तो हम लोगों को डुबाएगा फिर ऑर्थर ने एकदम अच्छे से देखा और उन्हें पता चला ये क्लाउड नहीं है ये वेव है ये क्लाउड नहीं है ये इतना बड़ा वेव है और उनको इतना ज्यादा डर लगा क्योंकि वो वेव वर्टिकल था उनसे एकदम वर्टिकल और वो वेव आपको पता है सारी वेव्स का ट्वाइस था वेव तो बाकी वेव्स तो छोटू मोटू थी वो एकदम बड़ा सा वेव था बड़ा सा वेव वहाँ पे फिर उनको बड़ा ज्यादा डर लगने लग गया और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अभी तो हम लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा अभी थर आपको पता है आपके जैसे बड़े बहादुर थे जैसे आप लोग हो तो वैसे बहादुर इसे उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है हम लोग वेव के अंदर से बोट निकाल लेंगे तो उनका मानना था कि हम लोग वेव के अंदर से बोट निकाल लेंगे और उन्होंने सोचा कि ठीक है आ, आ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जैसे उन्होंने ट्राई किया वेव के अंदर से बोट निकालने का एकदम से एक्सप्लोजन हुआ क्योंकि बोट वेव से जाके टकराई और एक्सप्लोजन से क्या हुआ पता है एक्सप्लोजन से जो कैप्टन uh, थे जो नरेटर थे उनका सर व्हील पे जाके भिड़ गया और उनको बहुत तेज चोट आ गई और वो कॉन्शियस uh, नहीं रहे वो अनकॉन्शियस हो गए एकदम से वहाँ पे बेहोश हो गए पानी अंदर आ चुका था उनका सर एकदम से दुख रहा था और उनको पता चल गया था कि अब तो वो मरने वाले हैं थोड़ा ही मीटर्स मतलब कुछ मीटर्स दूर वेव वेव वॉकर्स को उन्होंने देखा तो उनको लग रहा था कि डेफिनेटली यहाँ पे आ, बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे आ गया है तो हम लोग तो हंड्रेड परसेंट यहाँ पे मरने वाले हैं कैसे जैसे कैसे जैसे वो ऊपर उठे उन्होंने गार्ड रेल्स ली सारी चीज़ें ली मेन रूम में वहाँ पे गए और उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि इधर यू नो you know, इधर से उधर से सब जगह से सब जगह से वेव्स आ रही थी और वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और उनके रिब्स टूट गए थे उनके मुँह में खून आ गया था उनके टीथ टूट गए थे वो इतनी बुरी तरीके से घायल थे उसके बावजूद भी ही वॉज़ लाइक मुझे मेरी फैमिली को बचाना है मुझे अपनी फैमिली को यू नो अब और ही सेव करना है और उन्होंने कैसे जैसे व्हील को फाइंड आउट किया उन्होंने स्टर्न को पकड़ा और उन्होंने सोचा कि अभी मुझे इसको आ, कैसे जैसे कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे को इसको बचाना पड़ेगा इसके बाद क्या हुआ उनको हर जगह वाटर दिखा शिप पूरी तरीके से डूब चुका था शिप में अभी हर जगह पे पानी था उनको पता था कि उनको क्या करना था पता है मन में उनको ऐसा लग रहा था कि मैं सबको देख के आऊं बच्चों आपके पापा आपके पेरेंट्स हमेशा से ये चाहते हैं कि आप सेफ रहो तो वो ये सोच रहे थे कि मैं अपने बच्चों को मैं अपनी फैमिली को एक बार चेक करूं मैं मेरे क्रू मैन को एक बार चेक करूँ बट वो व्हील नहीं छोड़ पा रहे थे अगर वो व्हील छोड़ देते तो गया बोट तो अभी पता है उस टाइम पे क्या हुआ उस टाइम पे एकदम से कौन आ गई मैरी आ गई उनकी वाइफ आई और उन्होंने जोर से बोला वी आर वी आर सिंकिंग हम डूब रहे हैं उन्होंने बोला अभी बात करने का टाइम नहीं है अभी उन बात करने का टाइम नहीं है आप फटाफट से व्हील को पकड़ो ताकि मैं सब कुछ देख के आऊ तो फिर उन्होंने व्हील को पकड़ा और सब लोगों को वो देखने के लिए गए अब जैसे ही वो सब लोगों को वहां देखने के लिए गए तो लैरी और हर्ब बेचारे पंप कर रहे थे पानी को बाहर की तरफ निकाले जा रहे थे ताकि पानी ज्यादा भर के और वोट ये जो बोट है वो डूबे ना ठीक है तो ये वो वहाँ पे देख रहे थे उसके बाद में अंदर वो ऑर्थर गए तो उन्होंने देखा कि हर जगह पे यू नो you know, हर जगह पे दूर दूर तक सारी जो चीजें थी चाहे क्लोथ्स हो चाहे क्रॉकरी हो आ, चाहे चाट्स हो ट्स हो टॉय हो सब कुछ डूब गया था सब कुछ ऐसे तैर रहा था हर जगह पे उन्होंने बच्चों के केबिन में जाके बच्चों से पूछा बच्चों आप ठीक हो तो बच्चों ने बोला हाँ हम ठीक है बट उनको देख के लग नहीं रहा था वो ठीक है सू जो उनकी डॉटर थी उनकी इतना जोर से उनको लग गया था इतना ज़ोर से लग गया था खून निकल रहा था बट यहाँ पे उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो सू की इंजरी को देखे उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो सू को संभाले अपने बच्चों को संभाले उन्होंने हैमर लिया स्क्रूज लिया और कैनवास लिया और उसके बाद में वापस से उन्होंने डेक का पे जाने का सोचा उन्होंने सोचा कि मैं फटाफट से सेव करता हूँ इस कैनवास को यहाँ बिछा दूंगा तो पानी नहीं आएगा फिर उसके बाद में जैसे ही उन्होंने उसको बिछाया नहीं हो पाया अभी भी डेफिनेटली पानी अंदर आ रहा था उन्हें लग गया था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पानी अभी तक भी अंदर आ रहा है दैट मीन्स पानी यू uh, नो you know, और टाइम तक अंदर आता रहेगा बट कैसे जैसे उन्होंने पानी को कंट्रोल करने का सोचा और प्रॉब्लम्स तो तब आ गई जब हैंड पंप्स जो थे हैंड पंप्स ब्लॉक होने लग गए आस की चीज़ें जो डूब रही थी वो जा जा के हैंड पंप्स में फंस गई जिसकी वजह से हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए पानी नहीं निकल रहा था ठीक है इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किट हो गया और जो पानी का आ, जो पानी का लेवल था वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कैनवास का मतलब होता है कैनवास का मतलब होता है वो एक होता है ना एक शीट होती है जिससे हम पानी से बच जाते हैं ब्लू कलर की शीट आती है एक ठीक है तो वो उन्होंने लगा रखा था बट नहीं उससे सेव हो पाया पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था अब उनको उन, उनको याद आया कि मेरे पास कुछ स्पेयर हैंडपम्प्स पड़े होंगे वो फटाफट गए और उन्होंने कुछ हैंडपम्प्स वहाँ से उठाए वो वहाँ से लेके आए और उनको ये भी याद था कि एक और इलेक्ट्रिक पम्प भी पड़ा है सारी चीज़ें वो लाए और फटाफट उन्होंने लगाई और उन्होंने थैंक यू गॉड को बोला कि चलो ये वर्क तो कर गई बट ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे उनका काम ख़त्म नहीं हुआ था अब उन्हें पता है क्या करना था अब उन्हें थ्रू आउट थ्रू आउट क्या करना था पंपिंग करनी थी पूरी रात इतनी ठंड में जनवरी के टाइम पे वो पूरी रात यू नो पंप करते रहे उन्होंने खूब कॉल किए सी अथॉरिटी को खूब हेल्प मानी मांगी बट ऑब्वियसली उनको कोई हेल्प नहीं मिली वो एरिया जिस एरिया में वो थे वो एरिया इतना ज़्यादा डेंजरस था कि वहाँ पे कोई फ़ोन कैसे उठाता और सू का जो सर था जहाँ पे उसको लगी थी आप सोचो एक पापा अपने बेटे बच्चे को देख रहे हैं उसकी लगी हुई है बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो वो देख रहे थे तो उसको और ज़्यादा वो जो इंजरी थी वो और ज़्यादा सूझ गई थी तो अभी उसने फिर थोड़ी देर में सू ने बोला कि पापा देखो मेरे आम पे भी लगा है अब आप सोचो मॉन्ट डांट पे क्या उस टाइम पे गुजर रही होगी कि वो अपने आप को बचाएं कैसे जैसे शिप को बचाएं या फिर अभी अपने बच्चे को बचाएं उनके पास कोई टाइम नहीं था इन सारी चीज़ों को देखने का बट उसके बाद में वहाँ पे ऑर्थर ने पूछा सू आपने इस इंजरी के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया तो सू बड़ी समझदारी से बोलती है पापा मैं आपको टेंशन में नहीं लेके आना चाहती थी जनवरी थर्ड को भी यही हुआ सब लोगों ने धीरे 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 मेहनत किया मेहनत करके कैसे जैसे कैसे जैसे पानी वहां से निकालने की कोशिश की पानी वहां से निकालने की कोशिश के अंदर भी वो डेफिनेटली आ, नहीं कुछ कर पा रहे थे अभी वो पंद्रह घंटे तक सर्वाइव कर चुके थे वेव वॉकर के टकराने के बाद पंद्रह घंटे गुजर चुके थे और अभी उनको बहुत टाइम लगने वाला था ऑस्ट्रेलिया रीच करने के लिए ऑस्ट्रेलिया रीच करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला था इसीलिए उन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया तो हम रीच नहीं कर पाएंगे तो आसपास किसी और जगह अगर हम लोग आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा तो उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके उनको आसपास दो छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिले वो वो दो छोटे जो आइलैंड्स थे वो कुछ थे कुछ ईस्ट में तो उन्होंने देखा कि उनमें से एक जो था वो था एमस्टर्डम साइंटिफिक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग आ सकते हैं अगर उन्होंने उन्होंने पूरे सारे कैलकुलेशन लगाए और कैलकुलेशन लगा के सोचा कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो हंड्रेड हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे जनवरी फोर्थ को थर्टी सिक्स आवर्स के बाद में थर्टी सिक्स आवर्स तक वो कंटिन्यूसली पंप कर रहे थे उसके बावजूद भी उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ कंडीशन उनके कंट्रोल में आई है अभी भी कंडीशन ऐसी थी कि इट वॉज़ आउट ऑफ देयर कंट्रोल और वो अभी कुछ नहीं सोच पा रहे थे अभी उन्होंने देखा तो उनको अपने शिप में काफ़ी ज़्यादा डैमेज पार्ट मिला उनको लग रहा था कि शिप अब ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी बहुत टेंशन थी उनको बहुत ज़्यादा टेंशन थी उसके बाद में मैरी कुछ बिस्किट्स और कुछ बीफ लेके आई आप बिलीव नहीं करोगे उन्होंने दो दिन में पहली बार बिस्किट्स खाए सारा खाना खराब हो चुका था सब डूब चुका था आदि चीज़ें तहर के बाहर जा चुकी थी अभी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था दो दिन बाद जब उन्होंने पूरा पंपिंग करके कुछ खाया तो भी बिस्किट्स उन्होंने खाए बट ये सारी चीज़ें थोड़ी रही ये अच्छी अच्छी जो पिकनिक उन्होंने किया ये थोड़ी देर तक ही रहा क्योंकि चार बजे शाम को वापस से ब्लैक क्लाउड आने लग गए वापस से उन्होंने और प्रेपरेशन किया अपने आप को बचाने का बट वेदर और ज़्यादा खराब होता गया इतना ज़्यादा खराब हो गया कि सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम उनको लग रहा था अब हम मर जाएंगे उसके बाद में जब ऑर्थर अपने बच्चों को कंफर्ट करने के लिए गए तो बच्चों में से उनका जो बेटा था उसने उन्होंने बोला डैडी आर वी गोइंग टू डाई डैडी क्या हम मर जाएंगे एक छोटा बच्चा जब ऐसे पूछता है तो ऐसा लगता है कि नहीं यार हमें कुछ करना पड़ेगा अब तो डेफिनेटली आई हैव टू डू समथिंग अबाउट तो फिर उसने बोला कि नहीं नहीं हम लोग डेफिनेटली बच जाएंगे बच्चे आप चिंता मत करो पर उसने इतनी समझदारी की बात की पता है उसने क्या बोला उसने बोला वी आर अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर बोला मरने का से डर नहीं लगता पापा हम लोगों को बस सब आपके साथ में रहना है आप मैं मम्मा सू अगर हम लोग सब साथ में हैं तो हम लोग सारी चीज़ें फेस कर जाएंगे ऑर्थर कह रहे थे मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि मैं इस बच्चे को क्या बोलूँ मैं क्या उसको दिलासा दूँ इस टाइम पे कि हम बचेंगे कि क्या होने वाला है It was extraordinary. The situation was alarming. इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब था कि वो कुछ नहीं बोल पाए उसके बाद में एक अजीब सा determination उनके अंदर आ गया था He thought कि मैं सब कुछ अभी कर लूँगा और मैं definitely uh, uh, डेफिनेटली मैं इसके यू नो आई विल जस्ट ट्राई एंड मेक सर्वाइवल पॉसिबल सो उसके बाद में उन्होंने कुछ यू uh, नो you know, uh, सारे एडजस्टमेंट्स वहाँ पे किए और एडजस्टमेंट्स करने के बाद में फ़ाइनली वो मैरी के साथ में जो उनकी वाइफ थी हाथ पकड़ के और बैठ गए और हाथ पकड़ के uh, वो बैठे और uh, वो इसलिए बैठे थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो मरने वाले हैं वो हर ट्राई कर चुके थे वो पंपिंग कर चुके थे हर चीज़ हर एक चीज जिससे आप एक बोट में बच सकते हो वो सब ट्रायल्स उन्होंने कर लिए थे पानी अभी भी अंदर आ रहा था हार मान ली थी कहीं ना कहीं उन्होंने तो वो अपनी वाइफ को उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बस वो वहीं पे बैठ और उसके बाद में उनको दिख रहा था कि अब डेफिनेटली उनका जो एंड है वो काफ़ी पास है ज़रूर अब वो मर जाएंगे बट उसके बाद में क्या हुआ उसके बाद में सिक्सथ जनवरी तक भी कैसे जैसे वेव वॉकर टिकी रहे उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखा वहाँ पे जो सेक्सटेंट है वो एक इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रीड किया रीड करने के बाद में उन्होंने काफ़ी कैलकुलेशंस लगाए कैलकुलेशंस लगाए और सोचा कि हम लोग एग्जैक्ट पोजिशन जो हमारी है वो कैलकुलेट कर पाएँ ताकि हम लोग बच सकें सो so, इस एग्जैक्ट पॉपुलेशन को यू नो कैलकुलेट जब किया तो उनको पता चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं

अब यू नो वट हैपेन्ड सू आ, सू बहुत ज़्यादा थकी हुई थी सू को बहुत तेज़ दर्द हो रहा था क्योंकि उसके सर पे लगी थी बट उसने कैसे उनको ज्वाइन किया और जॉइन करके उन्होंने उनको एक क्यूट सा कार्ड दिया बताए और कार्ड में सामने कैरिकेचर्स बनाए कार्टून्स बनाए और कार्टून्स के नीचे लगा ही uh, यहाँ पे लिखा हियर आर सम फनी पीपल जिट दे मेक यू लाव और बोला कि ये देखो Uh, यहाँ पे कुछ फनी लोग हैं क्या आपको हंसी आए वो कैरिकेचर्स इतना ज्यादा क्यूट था कि ऑथर बहुत जोर जोर से हंसने लगे और जब अंदर उन्होंने कार्ड को खोल के देखा तो वहां पे लिखा हुआ था ओ हाउ आई लव यू बोथ बोला कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और uh, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूं हर एक चीज के लिए जो आपने की है और आप हमारे लिए हमें बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हो तो फिर उसके बाद में उनको इतना मोटिवेशन आया ही वॉज लाइक नाव आई हैव टू सेव माई फैमिली मुझे कुछ भी करके आई हैव टू सेव माई फैमिली उन्होंने कैलकुलेशन को चेक किया री चेक किया कैलकुलेशन को उनका मेन कंपस भी खो गया था फिर उसके बाद में उन्होंने एक कंपस उनका स्पेयर का जो था उसको देखा और फिर और कैलकुलेशन वहां पर लगाई बट It's like uh, uh, it was like uh work He he wanted to do a lot and he wanted to save the family, but. इट वॉज़ नॉट वर्किंग हर एक चीज़ ऐसी हो रखी थी जो ऐसा लग रहा था कि अब वो डेफिनेटली मरने वाले हैं तो उन्होंने फिर भी जो भी कैलकुलेशन लगाई थी उन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि अबाउट यू नो वन एटी फ़ाइव डिग्रीज अगर लैरी को उन्होंने बताया कि अगर आप वन एटी फाइव डिग्रीज़ की तरफ यू नो टर्न कर लो और uh, uh, अगर उसी लाइन में आप चलते जाओगे तो फिर हम लोग हो सकता है पाँच बजे तक आईलैंड पे पहुँच जाएँगे तो जब उन्होंने ये बोला ऐसा होता है ना कभी कभी आ, कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिन्हें आप ख़ुद फेस नहीं करना चाहते हो एंड यू टू लेज़ी एंड यू टू स्केयर्ड टू फेस दोज मोमेंट तो उन्होंने बस लारी को ये बोला और उनको पता था ये आखिरी होप थी उनकी तो उन्होंने बस लारी को ये चीज़ बोली और वो जाके सो गए जब वो उठे तो शाम के छः बज गए थे और, और ज़्यादा मौसम डार्क हो रहा था इतने मौसम डार्क में उन्हें इतना डर लगा ही थॉट कि ज़रूर उन्होंने आइलैंड मिस कर दिया है अब उनको पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता ऑब्वियसली कार नहीं है जिसको हम टर्न करके वापस लेके आ जाएंगे सो so, वो कार तो बिल्कुल था नहीं तो यहाँ पे उनको डर लग रहा था कि इतना ज़्यादा वेस्टर्ली विंड्स में हम कैसे टर्न लेंगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ समझ नहीं आया इतने में वो रु... मतलब एकदम ऑलमोस्ट ही वो शैटर्ड उनका उम्मीद वहाँ पे टूट गया था सो so, फाइनली Uh, एक छोटी सी क्यूट आवाज आई एंड वॉइस वर्स एंड द वॉइस सेट कैन आई गिव यू हग तो अभी uh, सू पीछे खड़ी थी और जॉन ने बहुत प्यार से बोला कैन आई गिव यू अग वाई एम आई गेटिंग अ हक नाउ उन्होंने बोला मुझे क्यों हक हाँ दे रहे हो अभी तो उसके बाद में, आ, उनके में उनके बेटे ने रिप्लाई किया आई थिंक ये सबसे मेरा फेवरेट मोमेंट है इस चैप्टर में उनके बेटे ने रिप्लाई किया बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड आप पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे पापा हो फिर उसके बाद में इट्स लाइक like, uh, उनको लग रहा था कि रेगुलरली वो ऐसा भूल रहे होंगे बट उसके बाद में उन्होंने बोला नॉट टुडे जॉन मैं आज अच्छा नहीं हूँ अभी हम लोग सब मरने वाले हैं वाई यू मस्ट बी फिर सू ने बोला यू फाउंड द आईलैंड फिर उन्होंने बोला कि यू फाउंड द आईलैंड आपको आइलैंड मिल गया है आपने डेफिनेटली आईलैंड मतलब फाइंड आउट कर लिया ही वॉज सो हैप्पी सो हैप्पी दैट ही शाउटेड वॉट मतलब सो सो एक्साइटेड हैप्पी कि फाइनली उन्हें वो आइलैंड मिल गया था एंड ही वॉज लाइक इट इज इट इज हेर इन फ्रंट ऑफ फेयर वो हमारे सामने है और ऐसा लगा कि वो बहुत बड़ी जंग जो है वो जीत के आए थे और

बचाई थी तो जब वो लोग वहाँ तक पहुँचे यू नो कुछ 828 ट्वेंटी एट इन्हेबिटेंट्स वहाँ पर थे उन्होंने उनको उन्हों चेयर किया और जैसे ही उन्होंने अपने पाँव के नीचे फिर से ज़मीन को फील किया ही वॉज़ लाइक गॉड आई ओ आई गॉड दिस फील सो नाइस ही वॉज़ लाइक कि ओ माई गॉड दिस इज़ अमेजिंग मतलब वो उनका लाइफ सेवियर मोमेंट था और उसके बाद में ही वॉज़ वेरी चेयरफुल वेरी चेयरफुल फिर उन्होंने सबको uh, च्य किया और बोला कि अगर लैरी और भी नहीं होते और अगर मैरी नहीं होती जो इतने टाइम तक उसने व्हील संभाला और सबसे इम्पॉटेंट वो सात साल की बच्ची जिसको इतनी ज़ोर से लग गई थी टेंट्रम्स थ्रो करने की बजाय वो चुप रही और उसको इतना ज़ोर से लगा था कि बाद में उसको छः माइनर ऑपरेशन करवाने पड़े थे इन छः माइनर ऑपरेशन वाली इंजरी को उसने छुपा लिया और सबसे इम्पॉर्टेंट वो छः साल का बच्चा जिसने बोला कि हमको डर नहीं लगता है मरने से अगर हम सब आपके साथ हैं और इतना एक्स्ट्रॉडनरी करेज दिखा के वो फैमिली जीत गई वो फैमिली फाइनली उस फैमिली ने अपने आप को बचा लिया मैंने आपके लिए यहाँ पे बोट को मार्क कर दिया है तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर में मास्ट क्या होता है मेन सेल क्या होती है बूम क्या होता है कॉकपिट स्टर्न रडर कैबिन वो ये सब क्या होता है नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे आपके लिए वो मार्क कर दिया है स्क्रीनशॉट ले लेना आपको पता चल जाएगा एंड पूरे चैप्टर को आपको बड़े जैसे मैंने बोला था आधे घंटे के अंदर अंदर रिवाइज करवा दिया है अब आराम से इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग बाद में भी देख सकते हो और आपको पूरा जो चैप्टर है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा ओके थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड इट मीन्स अ लॉर्ड दैट यू जॉइन मी एवरी डे एंड इट एक्चुअली मोटिवेट्स मी बिकॉज देन आई कैन यू नो कीप अप द गुड वर्क So that's there, and I will see you guys uh, in the next class that is tomorrow at the same time with another chapter. And yeah, I will join you there. Thank you so much for having me. A very good evening to uh, each one of you. Bye.